नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर पे आते हैं। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज। देखो एक ना मिठाई वाला है, उसके पास 420 काजू बर्फीज हैं एंड 130 बादाम बर्फीज, और 130 उसके पास बादाम बर्फीज हैं। शी वॉन्ट्स टू स्कैक देम। स्कैक करने का मतलब होता है एक के ऊपर एक ऐसे करके रखना, जैसे कि ये पहले एक पीस है, इसके ऊपर दूसरे पीस को रखा, उसके ऊपर एक और पीस को, इसके ऊपर एक और पीस को, उसके ऊपर एक और पीस को, इसके ऊपर एक और पीस को। स्कैक करने का मतलब होता है ऐसे एक के ऊपर एक इस तरह से रखना। शी वॉन्ट्स टू स्कैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्कैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अब उसने ना ये जो उसके पास इतने सारे काजू बर्फीज हैं और इतनी सारी जो बादाम बर्फीज हैं, इन सारी बर्फीज को उसने ना एक ट्रे के अंदर रखना है। तो ऐसे उसके पास सपोज ये उसके पास एक ट्रे है, इस ट्रे के अंदर उसने काजू बर्फीज और बादाम बर्फीज को रखना है। अब वो जो स्कैक बनाएंगे ना एक के ऊपर एक ऐसे करके बर्फीज को रखेंगे। अब क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है कि हर स्कैक के अंदर ना नंबर ऑफ बर्फीज सेम होनी चाहिए। पहले वाले स्कैक के अंदर जितनी बर्फीज हैं, दूसरे वाले स्कैक में भी उतनी ही बर्फीज होनी चाहिए। जो अगला स्कैक बनाएंगे उसके अंदर भी एग्जैक्टली उतनी ही बर्फीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि किसी स्कैक के अंदर आपने कम रखी, किसी स्कैक के अंदर ज़्यादा रखी। सारे के सारे स्कैक्स के अंदर नंबर ऑफ बर्फीज बराबर होनी चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्कैक फॉर दिस पर्पज। अब वो आपसे पूछ रही है कि एक जो ऐसा स्कैक बनेगा उसके अंदर कितनी बर्फीज को रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर है कि जो आपको नंबर दे रखा है ना 420, 420 काजू बर्फीज हैं और 130 इतनी बादाम बर्फीज हैं। आप इन दोनों का HCF निकाल लो। जो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा ना, एक स्कैक के अंदर उतनी बर्फीज को आप रख सकते हो। तो मतलब वो मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, मैक्सिमम उतनी बर्फीज को आप एक स्कैक के अंदर रख पाओगे, उतनी ऊंची ऊंची आप स्कैक बना सकते हो। उससे ज्यादा बर्फीज को अगर एक स्कैक में रखोगे ना तो फिर सबके अंदर पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब बाकी सारे स्कैक्स के अंदर भी एग्जैक्टली इतनी बर्फीज नहीं आ पाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें HCF फाइंड करना है। किसका HCF फाइंड करना है, ये 420 और 130 का। ये 420 काजू बर्फीज हैं और 130 बादाम बर्फीज हैं। इन दोनों नंबर्स का बस आपने HCF ही निकालना है। तो आप अपने आंसर की फर्स्ट लाइन में पहले तो ये लिखोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्कैक। हर एक स्कैक के अंदर मैक्सिमम कितनी बर्फीज आ सकती हैं वो होगा इन दोनों का HCF। ठीक है, चलो अगले स्टेप पे आते हैं। अब इन दोनों नंबर्स का ना HCF निकाल देते हैं। तो HCF निकालने के लिए ना हम यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर वन तो ये होता है, आपने बताना होता है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने सबसे पहले तो बता दिया कि 420 इज ग्रेटर देन 130। ये 420 ये बड़ा नंबर है। फिर आपने इन दोनों नंबर्स के ऊपर डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। डिवीजन लेमा अप्लाई करने का मतलब होता है कि बड़े वाले नंबर को बीच में रख के ये जो छोटे वाला नंबर है, छोटे वाले नंबर से आपने डिवाइड कर देना है। अब जब आप डिवीजन करोगे, डिवीजन करने के बाद ये क्वोशेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, फिर डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर, इन चारों नंबर्स को आपने इस फॉर्म में लिख देना होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो बीच में ये वाला जो नंबर होता है ना, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसे बोलते हैं डिवाइजर। ये डिवीजन तो आप कर लोगे ना, तो ऊपर ये हमारे पास क्वोशेंट है, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और ये नीचे हमारे पास ये रिमाइंडर बचा है। तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर, इन चारों नंबर्स को फिर आपने इस फॉर्म में लिखना है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक पहुंच जाओगे। फिर देखना होता है कि रिमाइंडर जीरो है या नहीं। देखो यहां पे रिमाइंडर की वैल्यू जीरो के इक्वल थोड़ी है, रिमाइंडर तो 30 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर जीरो ना हो तो आपको अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। और अगला स्टेप ये होता है कि डिवाइजर, डिवाइजर की पोजिशन पे जो नंबर है वो, और रिमाइंडर की पोजिशन पे जो नंबर है वो, इन दोनों नंबर्स के ऊपर आपको फिर से डिविजन लेमा अप्लाई करना है। मतलब बड़े वाले नंबर को बीच में रख के छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। तो ये देखो ये अगले स्टेप में हमने डिवीजन कर दिया, 130 को बीच में रखा और 30 से डिवाइड कर दिया। डिवीजन आप कर दोगे डिवाइड करके, ये हमारा क्वोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है। फिर से डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर, इन चारों को आप इस फॉर्म में लिखोगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब चेक करो क्या रिमाइंडर जीरो है।
बिल्कुल भी नहीं, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर तो टेन आ रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो ना हो तो अगले स्टेप पे जाना पड़ता है, और अगला स्टेप क्या होता है, डिवाइजर की पोजीशन पे जो नंबर है वो और रिमाइंडर की पोजीशन पे जो नंबर है वो, इन दोनों नंबर्स के ऊपर आपको फिर से डिविजन लेमा अप्लाई करना होगा। डिवाइजर की पोजीशन पे जो नंबर है वो और रिमाइंडर की पोजीशन पे जो नंबर है वो, इन दोनों नंबर्स के ऊपर फिर से आपको डिविजन लेमा अप्लाई करना है। मतलब बड़े वाले नंबर को बीच में रख के आपने ये छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे डिविजन कर दी। अब की बार देखो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, फिर से आप इन चारों नंबर्स को इस फॉर्म में लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिस स्टेप के अंदर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ रही होगी, उस स्टेप में डिवाइजर के पोजिशन पर जो नंबर होता है वो नंबर ही हमारा एच सी एफ होता है। जिस स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ रही है, उस स्टेप के अंदर डिवाइजर के पोजीशन पे जो नंबर होता है वो नंबर ही हमारा एच सी एफ होता है। तो डिवाइजर की पोजीशन पे यहाँ पे 10 है ना, इसका मतलब एच सी एफ की वैल्यू 10 होगी, 10 इज द आंसर। तो हर स्टैक के अंदर ना 10 बर्फीज होनी चाहिए, जो काजू बर्फी वाले स्टैक है उनके अंदर भी एक स्टैक में 10 बर्फीज होनी चाहिए, और जो बादाम बर्फी वाले स्टैक है उसके अंदर भी 10 बर्फीज होनी चाहिए।